सबसे पहले है माता पिता द्वारा प्यार उठा लेते हैं और उनके मतलब गाल है वो भी सलाह देते हैं लगा लेते हैं। ये क्या है, ये बैठक नहीं माना जाएगा, क्या होगा ये समाज के अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा आशीर्वाद के रूप में सिपर हाथ रहे हैं थप थपाऊँ हूँ भैया अपने घर को हो या चाहे मैं आपका कोई मंदिर में जाऊँ तो हूँ जहाँ वो पुजारी भी कहीं करे कर दे तो वो पुजारी है वो गलत नहीं कर सकता है। वो अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है कि वो किस तरह से स्पर्श कर रहा है। फिर ये है शिक्षकों द्वारा कि शिक्षक हैं वो भी बच्चों को क्या कर सकते हैं स्पर्श मतलब उनको शाबाशी देने के लिए धन्यवाद देने के लिए अपने दादा दादा जरूरी नहीं है शिक्षक बैड टच नहीं करते हैं, शिक्षक भी बैड टच कर सकते हैं। अपने को एहसास होता है कि आज सर ने मेरे साथ गुड किया है, मैम ने मेरे साथ गुड किया है, बैड किया है ना, तो इसलिए कुछ जरूरी नहीं अपने आप फीलिंग्स हो जाएगी कि ये अच्छा टच हो रहा है ये मतलब अपने को बैड टच हो रहा है आज यहाँ हाथ लगा तो जैसे तू वहाँ बैठी थी ना तो मैंने लगाया था ना तो वो गुड टच था, यदि मैं तेरे ऐसे करती तो वो बैड टच हो जाता है ना। फिर माता पिता की उपस्थिति में डॉक्टर द्वारा स्पर्श भाई हम इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे माता पिता हमारे साथ हैं तो डॉक्टर है ना वो हमारे क्या लगा सकता है मतलब ये जो आपको बताया है ना क्या टोपी क्लीन इन जगहों पर कोई हमारे हाथ नहीं लगा सकता तो डॉक्टर हमारे माता पिता की मौजूदगी में चेक कर सकता है तो समझ रहा होगा। तो मेरे कल को भी हो सकता है तो फिर वो आपकी मम्मी दोबारा उस कंडीडेट के पास भेजेगी
और फिर वो देखेगी ओरली देखेगी कि हाँ भाई इसने झूठ बोला है सच को, वो तो उसको आदत हो गई है ना छेड़ने की, अभी आए फिर मैं इसको छेड़ूंगा ब्लड टच होगा, तो फिर पता चलता है। तो कभी भी किसी चाहे लड़के के साथ हो रहा हो चाहे लड़की के साथ हो रहा हो बताना चाहिए। तो वो जी और जो ये डेंजर है, डेंजर मतलब असुरक्षित, तो इसका क्या बताया था उसने, सेफ है ना, क्या बताया था सेफ बताया था। तो इसका स्पर्श मतलब क्या होता है, देखो इसने क्या होठों पर छाती पर दोनों पैरों के बीच आगे प्राइवेट पार्ट कमर के नीचे खुले, यानी ये क्या होते हैं अनसेफ होते हैं, यहाँ पे लगाना क्या होता है असुरक्षित मतलब सेफ, ये होते हैं यहाँ पे पैर टच होते हैं, इनको इनके नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दम से मुंह पे लगाना, हाथ यहाँ पे लगाना, यहाँ पे लगाना, पीछे लगाना, ये क्या हो गया अनशेप हो गया। यहाँ पे कोई लगा के ओठों पर हाथ कैसे लगाए ओठों पर, वो भी क्या है वो बैड टच है ऐसे, ये थमटा भरिया क्यों करा करो है ना, करो ना, तो ये भी क्या है गलत है तुम्हारा, और कोई कर रहा है तुम्हारे साथ तो भी गलत है ना। अब ये क्या है, अगर कोई आपके सामने अपने कपड़े उतारे या प्राइवेट पार्ट्स दिखाए या आपको भी ऐसा करने को कहे तो सावधान हो जाए, ठीक है ना। जैसे आप असुरक्षित स्थान पे हो मतलब कि और कोई आपको कपड़े निकाल करे है ना, तो भी मतलब उससे संभल के रहना चाहिए, वहाँ से दौड़ के चला जाना चाहिए। ये देखो ये लड़कियों के साथ भी हो सकता है, देखो कई बार हम वीडियो कॉल करते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो मेरी सही नहीं है, तो आप ध्यान से कभी भी वीडियो कॉल करते हैं और बाय चांस कोई प्यार से तो पूछ लेता है हाँ भाई तू मुझे ऐसे कर ऐसे कर, मतलब की प्यार की भाषा होती है कि हाँ मुझे दिखा, फिर उसको ब्लैकमेल करने के लिए फिर तुम्हें वो प्रताड़ित करते हैं ना। अब आगे का, किसी अजनबी के द्वारा कोई असहज स्पर्श से बचना चाहिए, अनजान ट्रांसपोर्ट गार्डन टॉयलेट का उपयोग सावधानी करें ताकि आप किसी बुरे स्पर्श का शिकार न बने, सुनसान स्थानों अंधेरे में बिना काम फालतू जाने से बचें। यानी कई बार अपन बस में बैठे रहते हैं ना तो खड़ी खड़ी हो जैसे धक्का मुक्की होती है, कई तो शैतानी होती है मैडम से, हकीकत होती है हकीकत में मैं अम्मा करे हाँ ऐसे ऐसे करेंगे अनु अंगूढ़ी मतलब ये ऐसे होती है, मतलब ये क्या है बैड टच है उसको, ये नहीं ये वो बेचारे आगर नीनू सरकती जाएगी या तो नीनू है यदि अपन को जवाब नहीं देते है ना अगर नु कौन कहना कि है रसा क्यों क्या कर लो, जब तक अपने ऐसा बोल देते हैं ना तो वो डर जाता है, और यदि वो अपने कर रहा है अपन सहन कर रहे हैं इसका मतलब अपने भी सहमति है इसमें, या क्या है इसमें अपने भी सहमति है, वो अपने कर रहा है या तो उसको गुड लग रहा है जब वो हाथ लगवा रहे हैं है ना, यदि अपने को बैड लगता है तो क्या बात है क्यों देखियो को ना, भाई लड़की हो चाहे कोई भी हो है ना, ये होता है ऐसे विरोध करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, मेरा हाथ लगूंगा क्यों के बात है ये ना। अरे कभी सुनसान जगह में अकेला नहीं जाना चाहिए, मतलब कि सावधानी हर चीज के लिए सावधान रहना चाहिए। देखो ये ना टॉयलेट का उपयोग ये भी सावधानी से, जैसे हम शहरों में जाते हैं और वहाँ ये सार्वजनिक टॉयलेट बने रहते हैं तो हमें ध्यान से जाना है कि अंदर कोई छुपा नहीं है ना, या फिर कोई पास में खड़ा जो हम घुस जाए और वो पीछे से आ जाए, तो ऐसे ध्यान रखना है लड़कों को भी और लड़कियों को। अगर देखो आगे क्या है, अगर कोई आपको गंदी तस्वीरें वीडियो या मैसेज आपको फोन लैपटॉप आदि पर दिखाता है या भेजता है तो ये भी क्या है बुरा स्पर्श है ना, ये फोटो पर भेज देते हैं ना गलत मैसेज, हाँ गलत मैसेज नहीं भेजते हैं कभी कैसा भेजते हैं तो ये भी क्या है भैया, तो आपके पास फोन नहीं है छोटे बच्चे हो, लेकिन कल आप बड़े भी होंगे और सबके पास क्या होगा फोन, तो कोई भी भाई लड़का हो लड़की हो या कोई बड़ा आदमी हो गलत मैसेज भेजता है या कोई गलत चित्र भेजता है तो वो भी क्या है बुरा स्पर्श।